वेलकम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद अहमद और आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यूटी और डिफ्रेंशिएबिलिटी जो है कैलकुलस का एक पार्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि कैलकुलस जो है 44 मार्क्स का है क्लास 12 में, तो उसका जो है ये आपस में पूरे जो है एक दूसरे के इंटर रिलेटेड हैं। तो हम जो है वो आज कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यूटी से। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी का मतलब है कि जो चीज़ जो है वो एक साथ हो रही है, कंटिन्यूस में हो रही है, लगातार हो रही है, उसमें कोई भी ब्रेक डाउन नहीं है। तो यही कंटिन्यूटी जो है हम मैथमेटिक्स में यूज़ करेंगे फंक्शंस के लिए। तो फंक्शंस को हम चेक करेंगे क्या वो जो है वो कंटिन्यूस होते हैं। अब कंटिन्यूस से आप क्या समझते हैं? तो कंटिन्यूस जो है वो हम सीधा हम अगर एक लैम लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूस जो है हम अगर हम कोई भी आर्क जो है ड्रॉ करें विदाउट लिफ्टिंग पेन, कोई भी आर्क जो है अगर हम कोई भी आर्क या कोई भी ग्राफ बनाएं, ठीक है, कोई भी लाइन ड्रॉ करें या आर्क विदाउट लिफ्टिंग पेन, ब्रेक डाउन ना हो, तो हम बोलते हैं कि ये कंटिन्यूस है। अगर वो जो है हमने पेन उठाया तो वो कंटिन्यूस नहीं रहेगा, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल हमने जो है हमें यहाँ एक फंक्शन लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वाई इक्वल्स टू एक्स। अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, जैसे मैं पुट करूँगा एक्स, अगर मैं यहाँ पर इस साइड एक्स, एक्स अगर मैं वन लेता हूँ तो वाई भी हमारे पास वन आएगा, एक्स जो है ज़ीरो लिया जाए वाई भी ज़ीरो, एक्स जो है वो वन लिया जाए सॉरी टू लिया जाए तो वाई भी टू होगा। इसी तरीके से अगर एक्स हम जो है वो थ्री लेते हैं तो वाई जो है वो भी थ्री होगा, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसी तरीके से अगर एक्स हम माइनस में लेते हैं माइनस वन, और आपका वाई भी जो है वो माइनस वन है, और अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए, अब ग्राफ प्लॉट करेंगे अगर इसका, तो ग्राफ कैसे होगा? जैसे यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ज़ीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वन टू थ्री फोर फाइव माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। तो ज़ीरो ज़ीरो पे ज़ीरो है, आप x भी ज़ीरो y भी ज़ीरो, x वन y वन, x टू y टू, x थ्री y थ्री, x माइनस वन y माइनस वन। इसी तरीके से x माइनस टू है तो y भी माइनस टू होगा। तो y अगर हमने इसका ग्राफ ऐसे प्लॉट करूँगा तो ऐसे आएगी, एक लाइन बनेगी और विदाउट लिफ्टिंग जो है वो मैंने जो है वो चौक को लिफ्ट नहीं किया और सीधा जो है ये पूरा का पूरा जो है एक लाइन मैंने ड्रॉ किया और ये लाइन जो है वो कंटिन्यूस है। इसी तरीके से आप अलग अलग एग्जांपल ले सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसे लिया वाई इक्वल्स टू, ये फंक्शन है फोर एक्स स्क्वेयर, तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम मैं वैल्यू डालता हूँ एक्स की वैल्यू, एक्स अगर वन डालता हूँ तो वाई जो है मेरे पास फोर आता है, और x 0 डालता हूँ y भी 0 आता है, x 2 डालता हूँ y जो है मेरे लिए कितना हो जाता है, y जो है वो 16 होता है x 2 पर। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ग्राफ कैसे बनेगा? 0 1 2 3 4 माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। तो एक माइनस की वैल्यू भी चेक करके देखते हैं, एक्स माइनस वन पे तो वाई जो है वो भी फोर आएगा, क्योंकि ये जो है माइनस का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा तो वाई भी फोर आ जाएगा। तो अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ज़ीरो ज़ीरो पे ज़ीरो रहेगा, इस साइड हम लेते हैं टू फोर एट टेन सिक्स एट टेन 12, तो y 0 0 पे 0 रहेगा। उसके बाद अगला 1 पे x 1 y 4 हो जाएगा,
और उसके बाद x माइनस वन y जो है वो फिर से 4 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट x2 पर y 16 आ रहा, तो अगर मैं ऐसे वो ऐसे बनेगा ग्राफ, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, तो विदाउट लिफ्टिंग जो है वो ग्राफ होगा। तो हमें पता है कि जब पैराबोला, ये पैराबोला की इक्वेशन थी और ये इक्वेशन जो है वो लाइन की इक्वेशन है, तो ये हमने पैराबोला ड्रॉ किया और पैराबोला जो है विदाउट जो है हमने लिफ्ट, विदाउट जो है चौक को लिफ्ट किए बगैर जो है हमने पैराबोला को ड्रॉ किया। तो अब एक्चुअल में हम जो है, ये तो हमने बताया कि कैसे जो है वो कंटिन्यूस कर सकते हैं, मगर क्लास ट्वेल्थ में अब हम हर एक फंक्शन का ग्राफ तो ड्रॉ नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो है कुछ और अल्टरनेट मेथड लगाएंगे, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने में हमारे पास क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम लगाएंगे लिमिट का कंसेप्ट, अपने क्लास 11th में जो है वो लिमिट पढ़ा होगा, तो लिमिट का कंसेप्ट हम इसमें लगाएंगे। तो लिमिट से अब जो है हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, किसी भी पॉइंट पे जो है हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे लिमिट्स, बाय यूजिंग लिमिट्स। तो फॉर एग्जांपल जो है अब लिमिट्स हम यूज करेंगे इसमें, तो लिमिट्स के कंडीशन में क्या है कि लिमिट्स के लिए क्या होना चाहिए कि अगर हम लिमिट देख रहे हैं, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो लिमिट्स अगर हम लगाएंगे, लिमिट जब हम लगाएंगे तो किसी भी पॉइंट पे जो है अगर हमें चेक करना है कि क्या ग्राफ जो है वो कंटिन्यूस है, तो हम जो है लिमिट में क्या करेंगे, अगर हम लिमिट लगाते हैं किसी भी पॉइंट पे, मान लो एफ ऑफ एक्स पे लिमिट लगाकर एक्स अप्रोचेस टू ए, तो इसमें क्या होना चाहिए, ये लिमिट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट का लेफ्ट हैंड साइड और इस पॉइंट का सॉरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आप लिमिट चेक करोगे किसी भी फंक्शन की, लिमिट जो है वो आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे और एक्सट्रीम राइट पे चेक करोगे लिमिट, और उसके बाद एक्सट्रीम जो लिमिट आप किसी भी फंक्शन की चेक कर रहे हो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे, और उसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू के बराबर, एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए आप एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू फाइव एक्स माइनस थ्री, और इसकी वैल्यू जो है हम चेक करेंगे एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री और एक्स इक्वल्स टू फाइव पे। अब तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसको जो है इस फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं एट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, केस फर्स्ट लेते हैं हम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो आप ये आप कर चुके हो कि एफ ऑफ एक्स में आप क्या पुट करोगे आप पुट एक्स इक्वल्स टू ए इन एफ ऑफ एक्स में। तो जैसे ही फंक्शन में आप क्या करोगे पुट करोगे, ये फंक्शन हमारे पास है, फंक्शन है एफ, तो ए पुट करना है, ए की वैल्यू जो है वो कितना है, ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो है, तो कितना आएगा जीरो इंटू माइनस थ्री। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है जीरो पर कितनी है माइनस थ्री, तो आप लिख सकते हो एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू माइनस थ्री, ये वैल्यू है। इसी तरीके से आप उसके बाद हम लिमिट चेक करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री सॉरी जीरो जीरो, इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लेंगे एक ही साथ, तो लिमिट जो है वो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स में इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 5x माइनस थ्री। तो अब जब x जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है तो कितना वैल्यू आएगा 5 इंटू जीरो माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस थ्री। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो लिमिट है हम लिमिट ले रहे हैं x के एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट में, वो किसके बराबर है फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो जो हमारे पास ये फंक्शन है वो x इक्वल्स टू जीरो पर कंटिन्यूस है। तो क्या है फंक्शन इज कंटिन्यूस एट
x इक्वल्स टू जीरो पर। इसी तरीके से फिर हम चेक करेंगे कि क्या फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू माइनस थ्री पर। x इक्वल्स टू हम यहां पर फिर से लेते हैं केस सेकंड हम लेंगे, अब हमारे पास क्या है वैल्यू x इक्वल्स टू माइनस थ्री। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, हम फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू माइनस थ्री इन f ऑफ x में, तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा माइनस थ्री पर कितनी वैल्यू आएगी, फंक्शन में कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास, x की जगह कितना थ्री डालना है, ये हमने सिंपल नाइन्थ क्लास में किया है पॉलिनॉमियल्स में। तो कितना आएगा माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस फिफ्टीन माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस एटीन। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो एट एक्स इक्वल्स टू थ्री पर जो है वो माइनस एटीन है। इसी तरीके से फिर हम चेक करेंगे लिमिट लगाकर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस थ्री एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे एफ ऑफ एक्स पे, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस थ्री फाइव एक्स माइनस थ्री, तो कितना आएगा माइनस थ्री पर, तो ये वैल्यू जो है वो कितना आएगा माइनस थ्री माइनस थ्री, तो कितना आएगा माइनस फिफ्टीन माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस एटीन। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है, जब हम वैल्यू देखेंगे तो कितना आ रहा है वैल्यू हमारे पास, देखो दोनों साइड ये एफ ऑफ एक्स ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए इन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, तो ये जो है ये कंडीशन जो है फॉलो कर रहा है, तो इसलिए जो है ये फंक्शन बी जो है क्या कहलाएगा, फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री। इसी तरीके से फिर हम फाइव के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जो हम एक और ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ये तो इसमें तो क्लियर कट है कि ये हमारे पास जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन था। अब एक फंक्शन लेता हूं एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन एक्स एक्स इक्वल टू लेस देन वन और एक्स देन फाइव, ये फंक्शन है हमारे पास। अब यहां पर हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस कहां कहां किस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। तो हम यहां पर इसको चेक करेंगे एक्स इक्वल टू जीरो पर, क्योंकि एक्स लेस देन वन पर है, एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू फाइव पर, ये आप टू पे चेक कर सकते हैं, इसको टू पर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले अगर मैं यहां पर फंक्शन में ये कंडीशन लगाता हूं, अगर मैं ये कंडीशन लगाता हूं और उसमें बाद जो है अगर वो ऐसा हो रहा है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है तो देखते हैं। तो यहां पर हम ले रहे हैं x यहां पर इसकी जगह जो है अगर हम माइनस लेते हैं तो देखते हैं फिर लेस देन, अब जब मैं यहां पर कंडीशन लगाता हूं तो एफ ऑफ एक्स कितना होता है, पुट एक्स इक्वल टू जीरो इन एफ ऑफ एक्स में, तो कितना आता है, यहां पर हम एक्स लेते हैं तो कितना आएगी वैल्यू एफ ऑफ एक्स, ये वन आएगी, सॉरी जीरो, वैल्यू जो है वो जीरो। तो अगर लिमिट लेते हैं, लिमिट लेते हैं एक्स अपोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स एक्स लिमिट एक्स अपोज टू जीरो एक्स, तो ये भी वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आती है जीरो, ये भी जीरो। तो यहां पर जो है हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, एक्स इक्वल टू जीरो पे जो वैल्यू जो है वो कंटिन्यूस है। अब सेकेंड में इस फंक्शन में जो है वो वैल्यू डालेंगे कितना, एक्स इक्वल्स टू वन, एक्स इक्वल्स टू वन पे जो है वैल्यू चेक करते हैं। तो अगर हम एक्स एक्स इक्वल्स टू वन डालते हैं तो एफ एक्स इक्वल्स टू वन यहां पर तो हमारे पास क्या हो रहा है वैल्यू, यहां पर तो इसके लिए तो सेटिस्फाई कर रहा है कि वो जो है एक्स हमने लेस देन वन डालना है,
जैसे ये हम x इक्वल्स टू 1 डालते हैं तो ये फंक्शन जो है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 1 पे जो है ये वैल्यू जो है वो क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस होगी। और x इक्वल्स टू माइनस 2 जब भी हम डालेंगे इसके बाद जो है वैल्यू जो है वो हमारे पास कितना आएगा, 5। तो इस तरीके से हम जो है वो कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। कंटिन्यूटी का जो क्राइटेरिया है वो हम लिमिट इस्तेमाल करके, लिमिट किसी भी फंक्शन की लिमिट लेते हैं और उसमें जो वेरिएबल हो, जब वो एक वेरिएबल जो है किसी वैल्यू को अप्रोच करता है तो उस वक्त जो फंक्शन, जो फंक्शन की वैल्यू है वो अगर दोनों रिजेंबल कर रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो उस वक्त हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा। अदरवाइज अगर वो इक्वल नहीं आ रहे हैं तो वो कंटिन्यूस नहीं होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल जो है हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।